लाला सिंह क्या करे ने खड़े हुए करे ने खड़ा ये है अक एक कैडेट कॉलेज है अच्छा 4 साल 5 साल पहले आया से ते ये बिल्डिंग बनी पी के अक दे पौधे हुन छोटे हन हुन बड़े थी गए मैं सोचे भाई अक चूसार दे अलावा भी कोई तरियाक निकल सकदे मैं रिसर्चर तक कहनी मतलब मुमकिन है मैं कोई रिसर्च करा जिंदे विच कोई शायद निकल आवे कि ये कितना एक तवील अरसा गुजरे ये असारी हुकूमत आ गई इमरान खान साहब की जी तब्दीली सरकार आई वो असा समझे कि भी या उन्हें आवन की देर हो से तो या कैडेट कॉलेज हो से लहरा बहरा हो सन सारे बाल इतना पढ़ते पे हो सन सारे बाल भी फौजी बन सन फौजी अफसर बन सन फौजी जवान वतन के उत्ते अपनी जान कुर्बान करे सन वो जान तो असा कुर्बान हो नहीं करन के तैयार से वो खुदा का वास्ता है वे कोई एक शह आई भी है ही सराइकी खिते च तो अल्लाह का वास्ता है वे यो कैडेट कॉलेज बना छोड़ो या ही अग के पौधे उत्ते कोई रिसर्च करनी है तो भला कोई रिसर्चर भेज दो ताकि उन्होंने रिसर्च करनी ही जार के अलावा ब्याह कोई चीज़ बन सकती है आपको बता रहा था कि इस सरायकी खिते में ये पहला मेगा प्रोजेक्ट है पूरे खिता बहावलपुर डिवीजन लगा लें मुल्तान डिवीजन डीजी खान डिवीजन उसमें कहीं भी इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है ये वो पूरे खिते की तकदीर बदल दे। ये इलाका मौजा वाही हजरत में है ये चक साथ है उसके करीब है आप जो पाकिस्तान चौक है खानपुर का इसे क्रॉस करें और फिर ये जिसे लुंडा फाटक कहते हैं ये इलाका चक नंबर 7 के करीब है और ये तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर खानपुर से दूर है। ये भी आपको बताता चलूं कि चौलिस्तान भी इसके करीब है और खानपुर भी इसके करीब है और ये चौलिस्तान के बच्चे भी इंशाल्लाह इसमें दाखिल होंगे। ये कैडेट कॉलेज इस खित्ते की तकदीर बदलने के लिए है। आपको ये भी बताता चलूं कि ये कैडेट कॉलेज सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मियां मोहम्मद असलम MPA और मियां अब्दुल सत्तार MNA जो खानपुर से ताल्लुक रखते हैं उनकी दरख्वास्त पर मंजूर किया था। इतलात ये हैं कि इस प्रोजेक्ट पर अब तक 63 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जब इसकी तामीर सुस्त रवि का शिकार हुई तो इस राकिम ने ही 29 नवंबर 2018 को डेली ट्रिब्यून में और ये 26 नवंबर 2018 को डेली एक्सप्रेस में एक मजमून शेयर किया एक कॉलम शेयर किया जिसमें ये बताया गया कि इसकी तामीर रुकी हुई है और ये नहीं कि सुस्त रवि का शिकार है बल्कि मुकम्मल रोक दी गई है। जिस पर एक्शन लेते हुए मियां शफी मोहम्मद मेंबर सूबाई असम्बली और जो चेयरमैन भी हैं सूबाई असम्बली पंजाब के उन्होंने वजीर आला पंजाब को ये यूं समझें कि खबर का हवाला देते हुए कोई करारदाद पेश की जिस पर उन्होंने 12 करोड़ रुपए फौरी तौर पर मंजूर कर लिया। इस पर मियां शफी मोहम्मद साहब का बेहद मशकूर हूं मगर उसके बाद हुआ ये कि ये बिल्कुल फिर वो 12 करोड़ रुपए आए कहां लगे कहां नहीं लगे इसका हमें कोई इल्म नहीं है ये तो वो जाने। उसके बाद फिर ये सुस्त रवि का शिकार हुई दीगर दोस्तों ने भी खबर को फॉलो किया मजीद खबरें लगाई तो 12 जनवरी 2020 को सूबाई वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवां बख्श ने कैडेट कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कैडेट कॉलेज की तामीर में इंतहाई नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और ये 63 करोड़ रुपए कहां गए ये उनका सवाल था वो जवाब देने वाले ही जवाब देंगे मगर हमें इस बात का शिद्दत से इंतजार है इस खित्ते के लोगों का ताकि ये फौरी तौर पर कैडेट कॉलेज की तामीर मुकम्मल हो हमारे बच्चे इसमें पढ़कर फौजी जवान बन सकें फौजी अफसर बन सकें वतन की खिदमत कर सकें वतन पर जान कुर्बान कर सकें। नाज़रीन एक बात और भी आपको बताता चलें आपको ये इल्म भी होना चाहिए कि ये जो अराजी है ये हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की अराजी है औकाफ ने इस पर कब्जा किया हुआ था और औकाफ से दीगर बासर लोगों के कब्जे में थी जिसको चौधरी अब्दुल गफ्फार असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ने सूबाई हुकूमत के तामन से उनके कब्जे से वागुजार करवाई और आज यहाँ देख लें आपको ये हसीन नज़ारा नजर आ रहा होगा आप उस वक्त बड़े खुश होंगे जब इस जगह पर जहां अभी आपको ये वीरान टुकड़ा नजर आ रहा है आप बुलंदी
बेसब्री से देख रहे हैं, यहाँ पर आपके बच्चे, हमारे बच्चे तरबियत लेते हुए नजर आएंगे फौजी बनने के लिए।